वेलकम बैक फ्रेंड्स। नेवी कोस्ट गार्ड यानी आज का जो पेपर हुआ था उसके बारे में मैं आज आपको रिव्यू दूंगा, यानी आज के कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि आए थे नोएडा सेंटर पर, क्या हुआ, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग जवाब दिए, तो मैं पूरे का पूरा आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप उनको क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और उनसे आपको इसका लेवल का पता चलेगा कि नेवी कोस्ट गार्ड का आज का पेपर कैसा आया। दोस्तों अगर ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, डेली का डेली आपको रिव्यू मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ही लाइक कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके जरिए इस वीडियो को शेयर किया जा सकता है। दोस्तों प्यार मदद सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं नेवी कोस्ट गार्ड के पेपर में आज किस किन कौन कौन से स्टूडेंट ने हमारी मदद की। थैंक यू। हमारे हैं संदीप धनिया जी बता रहे हैं, सर आई क्वालिफाइड नेवी कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन टुडे एंड पेपर मॉडरेट था बट आपकी इंग्लिश वीडियो की हेल्प से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। एग्जाम और फिजिकल भी हो गया है, आगे क्या होता है देखते हैं, बट पेपर तो बहुत अच्छा गया था। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले हमें कमेंट करके आज का पेपर के बारे में बताया और आपने सिर्फ मुझे नहीं बताया, आप जान सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपके इस कमेंट का वेट कर रहे थे। तो संदीप जी जो आपने काम किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत जल्दी आपका ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग होने के बाद मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, यानी कि आपका जहाँ पर सेंटर है, मतलब मैं आपके फिजिकल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, ज्वाइनिंग पर उड़ीसा चिल्का में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इसके बाद देखिए हमारे जे के वर्मा जी हैं, ये तो खैर आराम से मौज ले रहे हैं, बता रहे हैं सर मॉर्निंग मेरा पेपर है। चलिए इसके बाद देखो और क्या आया था, हमारे पास है मनदीप श्रीवास्तव। देखिए मनदीप जी क्या बोलते हैं, हेलो सर मेरा नेम मनदीप है, नोएडा सेंटर से था। आपको पता है डेली नोएडा सेंटर का तो मिलता ही रिव्यू, यहाँ पर पहली शिफ्ट में था 35 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, जिनमें से 5 नंबर सीरीज के थे, 5 ऑड्स के थे, 1 ब्लड रिलेशन का, 1 कैलेंडर का, 2 क्लॉक के, मैथ में से 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिले थे, जिनमें से 3 क्वेश्चन ट्रेन वाले थे, 3 टाइम एंड वर्क थे, 2 SICI, 1 क्वेश्चन डिस्काउंट था, इंग्लिश में 2 एंटोनिम आए थे, फ्रूगल और गैलेंट, ये दोनों के दोनों मैंने करा दिए, आप तो वीडियो चेक कर सकते हैं। एक वन वर्ड था ऑनररी, ये मैंने आपको बताया था पूरा, 3 से 4 बेसिक इंग्लिश नो रूल्स और यू नो जीके भी बेसिक लेवल की आई थी, गुजरात में कौन सा डांस होता है एंड डांडिया यू नो, और इसका आंसर बता रखा है द रेड ब्लड सेल्स कहाँ पाई जाती है, मेरा पास हो गया था, 300 का बैच था जिसमें से 59 सेलेक्ट हुए थे। तो मनदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने पेपर को हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से अगर आपका भी कल पेपर होता है तो प्लीज आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका पेपर कैसा रहा, ताकि और भी बच्चे आपको यहां पर देख सकें, थैंक यू सो मच। इसके बाद देखो हम और कमेंट पढ़ लेते हैं। सर मेरा पेपर जालंधर में था और उसमें आपका पढ़ाया हुआ इंग्लिश आया था बट रीजनिंग बहुत कम आई थी, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे, मैथ से भी 8 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे। राजमोहन जी टेक्निकल्स बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने जीवन में ग्रोथ करते रहें। इसके बाद हम बात करते हैं दीपक मिश्रा जी की। मिश्रा जी क्या बात करते हैं, सर आज मेरा जालंधर में पेपर था, पेपर बहुत इजी आया था, 28 क्वेश्चंस रीजनिंग में थे था और यू नो इसमें कैपिटल्स भी पूछा गया था, मोस्ट सॉल्यूबल एलिमेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है और स्पीड यू नो ट्रेन का भी यहां पर क्वेश्चन था, बीच 20 अगस्त यू नो 20 अगस्त जो डे होता है कब मनाया था, 2 सिंपल क्वेश्चंस थे, इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस आए थे, 5 से 7 क्वेश्चंस इंग्लिश और 8 साइंस के आए थे। चलिए अब यहाँ पर मैंने बता दिया जितना मेरे पास था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो मनदीप जी सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि इंटरनेट यू नो जितना मेरा डेटा बचता है मेरे पास वो पूरा का पूरा डेटा खत्म हो चुका है, मैं इस पूरे वीडियो को एडिट भी नहीं करूँगा। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा आपको और भी वीडियोज़ देने वाला था लेकिन क्या करूँ, डेटा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको मैं कल एक ऐसी वीडियो में बताऊँगा एक ऐसे शख्स का नाम जो कि मेरा डेटा हर महीने डलवाता है, यानी कि मैं अपने डेटा खुद नहीं डलवाता और उसकी नौकरी लग चुकी है और उसका कहना है कि सर मैं जब तक मुझे 1 साल नहीं हो जाती तब तक मैं आपके इंटरनेट का जितना भी चार्जेस होगा मैं खुद अपनी स्वेच्छा से खर्च करूंगा, दिखाऊंगा मैं कल ऐसे स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप जरूर एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि एयरफोर्स कोस्ट गार्ड आप डेली रिव्यू यहां पर देखते हैं, लाइक्स शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।